और सब गाइस, तो आज हम खेलने वाले हैं पोकेमोन विश वर्जन। ये एक जीबी है, रोम है क्या, तो यही मेरा विश दे रही है। देखो ये प्रोफेसर ओक वाला काम कर रहा है तो हम स्किप कर रहे हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। मैंने अपना असली नाम लिखा आभाष और सीधा स्टार्ट करते हैं भाई। ये हम कहाँ हैं, नॉर्मल स्टार्टिंग नहीं है ये, बढ़िया है मेरे को ऐसा लग रहा है। इस समुंदर कम कम क्लोजर एंड ऑल, पक्का कुछ अजीब होने वाला है, लेकिन यू नो वी आर प्रो, दैट्स व्हाई वी डोंट गिव अ डैम हु आर यू, डोंट वरी चॉल एंड नो हार्म एट ऑल, आई एम वेरी श्योर इट्स ओके ओके। My faith in world depends on you. Tomorrow you will meet your chosen partner. Kickstar unlimited Kickstar, ऐसा ही कुछ बोला भाई। Sorry for that. Okay, तो हम finally अपन के घर में हो गए Alex. Don't be alone enough. Are you okay? You shook your head and smiled. Yeah, Alex. Anyway, we were promised some Pokemon today. Okay. Anyway, see you later, Abhash. Okay, that's quite amazing. Let's move on to the professor. First, पहले तो भाई हम ये English बंद करते हैं क्योंकि हमको अच्छे से नहीं आती। मेरे ख्याल से अलग स्टार्टिंग, नहीं नहीं वही स्टार्टिंग है। पहले हम थोड़ा एक्सप्लोर करके जाते हैं इस टाउन से, फिर वो प्रोफेसर हमको रोकने आएगा। चलो, वेयर द हेक आर यू गोइंग। भाई कितना कूल दिखता है ना ये, सर कह रहा हूँ मैं, सेसी कूल दिखता है। हम बल्बासोर लेंगे, नहीं स्क्वायरटैंक, नहीं चार्मेंडर, नहीं हम ऑब्वियसली लेंगे चार्मेंडर। यप, अपने स्क्रीन में जो आप लाइफ लेफ्ट टॉप पे एक लोगो देख रहे हैं वो एक्चुअली हमारा हमारे चैनल का नया लोगो है। प्लीज उस लोगो, कितना ऑसम दिख रहा है वो लोगो, उसके लिए तो कम से कम लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर देना, बहुत अमेजिंग वीडियोस आते हैं। हमारा नया लोगो है वो, बस यही बताना था। तो हमको इसने कहीं भेजा है, हमको रनिंग शूज मिल गया, रनिंग शूज मिल गया, बढ़िया। अब हम धीरे करेंगे, फर्स्ट डिफॉल्ट में चलेंगे। देखो भाई मैं एम्यूलेटर पे चला रहा हूँ, तो जिसको प्रॉब्लम होगी यू कैन क्विट, आई डोंट गिव अ डैम ओके। और जिसको प्रॉब्लम नहीं है कंटेंट में देखना है तो यार यही लगे रहो, बहुत मजा आएगा इस सीरीज पे। सॉरी मैं 2 मिनट में आया। तो इस पीजी को मारते हैं, थोड़ा सा ग्राइंडिंग अप भी हो जाएगा। और ये हमारा, हम लेवल 6 के हो गए। देखो यहाँ बैटल तो हमारे लेवल से नहीं हुई, पता नहीं क्यों, लेकिन हम अभी एक 4 लेवल के पीजी को, नहीं हम ट्रेनर, हाँ एक्चुअली सॉरी मैं इसको रीड अप कर रहा था तो मैं भूल गया, मैं एक बार उस ट्रेनर से हार चुका था पता नहीं क्यों, फिर मैं थोड़ा सा बस ग्राइंडिंग अप किया, फिर मैं उससे पूरे फोर्स से लड़ा, तो अभी आप देख सकते हैं मैं जीत गया उससे। अभी मैं एक और ट्रेनर सामने में आएगा ना जिससे अभी बैटल होगी, उससे मैं फिर हारूंगा।
सॉरी, पता चला कोरोना हो गया। सॉरी। इसी ट्रेनर से मैं एक बार हार चुका था एक्चुअली, लेकिन इस बार मैं जीतूंगा। नहीं, इस बार मैं हारूंगा, फिर मैं ग्राइंडिंग ऑब्सेशन करता हूँ। एक्चुअली ये सब रीड्रप क्या बोलते हैं, डब हो रहा है, सॉरी फॉर दैट, रीडब हो रहा है। इस मैं वीडियो को रीडब कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्पॉइलर्स दे रहा हूँ। सॉरी, अब नहीं दूंगा स्पॉइलर्स। ओके, तो अब हम घर आ गए। अब बहुत लंबा सेशन होने वाला है हमारा, शायद तक हो भी गया। मैं फुटेज शायद तक नहीं दिखाया हूँ। नहीं होगा, अभी एक ग्राइंडिंग ऑफ सेशन होगा। तो आप चाहो तो आप स्किप कर सकते हो इस ग्राइंडिंग सेशन, क्योंकि सच में बहुत टाइम लेने वाला है। भाई ऐसा नहीं लग रहा मेरे को कोरोना हो गया, मजाक कर रहा हूँ, कोई रिपोर्ट मत मार देना। चलो अब हम एम्बुलेंस कर लिए, तो हम अब थोड़ी सी ग्राइंडिंग करेंगे। भाई एम्बर बहुत अच्छा मूव है, अगर तुम 7 लेवल या फिर 15 लेवल के आसपास के लोगों से लड़ते हो, लेकिन जब तुम 37 या फिर 29 के लेवल पे जाते हो, तब एम्बर फ्लेम व्हील से बहुत कम लगता है, क्योंकि फ्लेम व्हील डैमेज भी ज़्यादा देता है। और अगर तुम्हारा चारमेंडर प्रो हो जाते हैं, तो तुम अगर एक बार फ्लेम व्हील यूज कर देते हो ना, तो उसका जो फ्रोज हो जाते हैं ना, वो मेल्ट हो जाते हैं उससे, लेकिन एम्बर से नहीं होता। इसीलिए मेरे को फ्लेम व्हील ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी एम्बर बहुत सुपर इफेक्टिव। तो मैंने स्किप कर दिया था शायद तक फुटेज, अभी कोई बात नहीं, हमारा ग्राइंडिंग सेशन खत्म हो गया, अब हम उससे वापस लड़ने जा रहे हैं। ओह शिट, मैंने फिर स्पॉइलर्स दे दिया आपको। अब तुम लोग देखो कितना मजा आएगा इसको हराने में, जो मजा आता है ना हार के हराने में, खुन्नसी निकालने में भाई। अल्ट्रा लेवल का होता है वो। देख रहे हो, वन हिट के हो जाता है अगर तुम एम्बर 10 लेवल से 15 लेवल के लोग पर यूज करते हो, तो पोकेमॉन्स पर। हेलो, ए अभी के लिए एक बढ़िया सा पंजाबी सॉन्ग सुनो दोस्तों, मैं मिलता हूँ कुछ देर बाद। एंड लोकी कर दे हुंदे सी तरीफा, तेरे मेरे प्यार दिया, तेरे मेरे प्यार दिया, लोकी करदे हुंदे सी तरीफां, तेरे मेरे प्यार दिया, तेरे मेरे प्यार दिया। अरमान उन्ना दिला दे हुण पानी वांगू बह गए ने, पेंदियां ने बारिशां सजना, मेरा हाल वेख बदल भी रो पे ने, बदल भी रो पे ने, पेंदियां ने बारिशां सजना, मेरा
मेरा हाल वेख बदल विरा पे ने बदल विरा पे ने तो हम आ चुके हैं वापस दूसरे रूट पे। नहीं एक्चुअली ये रूट वन है। सॉन्ग अच्छा लगा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। मिलते हैं भाई। पहले इसके स्टारली को हम हरा देते हैं। स्टारली हाँ भाई। जैसा कि आप देख सकते हैं वन हिट केओ था। निंटोडिन वन हिट के हो सकता था अगर हमारा लेवल 13 या 12 होता। अब हम प्रोफेसर के पास आ चुके हैं और हमारा राइवल भी आ चुका है। आई एम गोइंग टू मोड बट आई हैव कुछ ऐसे ही बोला यार, मैं पढ़ नहीं पाया सॉरी। देखो हम प्रोफेसर की बात जिंदगी में कभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो सिर्फ बकवास बातें करते हैं। फाइव पोकेबॉल्स। अच्छा फाइव दे दिया। आई ऑल्सो नीड मनी। देखो मनी के पीछे भाग रहा है। हमारा राइवल देखो मैं झूठ तो नहीं कहूँगा सच कहूँगा। हमारा राइवल एकदम कूल दिखता है यार। मैंने सारी ट्रैवलिंग के बीच को पार्ट को इरेज कर दिया था। ये राइवल के जब हम बाहर जाने की कोशिश किए तो राइवल आया बोला कि मेरे पास तो दो पोकेमॉन है क्या उखाड़ लेगा। तो फिर पहले बार में तो हम देख ही लो हम जीत जाएंगे। ऐसा बोल रहा था कि तुम्हें स्पाइडर का पता चल जाए। हाँ हम जीतने वाले जीत जाएंगे। देखो मैंने हरा दिया इसे। हम जीत जाए भाई। इसको फीनिक्स कहाँ मिला? फीनिकन। हाँ वही जो फीनिकन कहाँ से मिला? हम जीत जाएंगे भाई मैं बोर। एक मिनट ये चीटिंग है भाई। ऑरेंज मेरी हमको नहीं मिला इसको मिल गया। चीटिंग है ये तो भाई पूरी चीटिंग है। बोलो तो ना हम जीत जाएंगे। कोई बात नहीं लेकिन हम सेकंड बार देखो कैसे जीतते भाई। सेकंड बार कर देना मेरे को ना। उस टाइम सेकंड बार ना मैं पूरा रेडी था इसको आज नहीं छोड़ूंगा करके और वैसा ही हुआ। हम भाई सीधा पड़ गए एम्बर घुसने में। इसके पीजी को एम्बर घुसाए जा रहे थे हम उस टाइम पे। और ये बताओ इसके एक्यूरेसी के ये सैंड अटैक के कारण हमारी बहुत बहुत अटैक मिस हुए यार। इतना गुस्सा आ रहा था ना फ्रस्ट्रेशन। मन कर रहा था मोबाइल फेंक दूं लेकिन फिर सोचा कि क्या करूंगा मेरा ही घाट है इसमें। फिर एक स्क्रैच यूज किया और वो मर गया। और सेम फेथ ये भी फेस करेगा जरूर क्योंकि दोनों फायर टाइप है। तो फिर एक तो भाई मरेगा ही स्क्रैच से। नॉर्मल अटैक स्क्रैच है फायर से तो कुछ होगा नहीं। स्क्रैच की फेथ से ये दोनों मर गए। देखो लिग पर आउट इंडियन आर्मी जंग के मैदान में कर
तो ये भग गया ट्रेनिंग करने के लिए शायद के हम सबसे पहले भाई हील किए और मैंने बोला मेरे को भी एक पीजी चाहिए क्योंकि एक ही पोकेमोन पार्टनर से तो हमारा कुछ होगा नहीं। तो मैं बहुत टाइम ढूंढा कि कोई 4-5 लेवल का पीजी मिल जाए और इवेंचुअली हमको मिला भी, लेकिन हमने ये लूनो बहुत आ रहा था तो एक कैची कर लिया। देख रहे हो भाई 5-5 लेवल के लूनोज आ रहे थे तो हमने एक कैची कर लिया बाढ़ में जा करके। लुंगी जैसा है ना नाम अगर बोले तो लुंगुस है पता है, लेकिन हम इसे लुंगुस बोलेंगे पूरे सीरीज में लुंगुस बोलेंगे इसको, लेकिन हम वैसे पार्टी में तो रखते नहीं है इसको क्योंकि इवेंचुअली हमें एक 5 या 5 लेवल का पीजी मिल जा, नहीं हाँ 4 लेवल का पीजी मिल जाता है और मैं सीधा बैग में जाके पॉकेबॉल फेंकता हूँ। पहले में तो आ ही जाता है, तुमको क्या लगा नहीं आएगा? जरूर आएगा क्योंकि उसको पता है ट्रेनर कौन है, मैं हूँ भाई जिसको नहीं पता था। तो भाई मैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।